बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि नेपाल से आ रही है। यहां पर तनहू इलाके में नदी में एक बस गिर गई है। गोरखपुर नंबर की ये बस नेपाल की नदी में गिरी है। हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है और बस से बताया जा रहा है कुल 40 यात्री सवार थे, सभी भारतीय थे और पोखरा से काठमांडू जा रहे थे। तनहू इलाके में गोरखपुर नंबर की ये बस नदी में गिर गई और 14 लोगों की जान चली गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को इस बस से बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। कई शव बस से बाहर निकाले जा रहे हैं। ये गहरी खाई जिसमें नदी किनारे क्षतिग्रस्त हालत में ये बस दिखाई दे रही है। तेज बहाव नदी का, ऐसे में कई बड़ी चुनौतियां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको इसे ब्लर करके दिखा रहे हैं। 14 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं इस बस एक्सीडेंट में। कुल 40 यात्री सवार थे और सभी भारतीय बताए जा रहे हैं, पोखरा से काठमांडू जा रहे थे। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बस की जिस तरह की हालत दिख रही है, जाहिर तौर पर कई चुनौतियां। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बस खाई में गिरी है और बुरी तरीके से जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उससे साफ लग रहा है कि कितना ये मतलब भयंकर ये हादसा था। पूरी तरीके से बस की हालत जो है वो देख सकते हैं, ऐसा लगता है परखच्चे उड़े हुए हैं उसके, और रेस्क्यू टीम अभी भी जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। वहां से लाशों को निकाला जा रहा है और जो जानकारी हमारे पास है कि 14 भारतीयों की इसमें अभी तक मौत हुई है और पानी में से जो है वो लाश निकालने का काम, और जो बस से फंसे हुए हैं जिनकी मौत हो गई वहां से निकालने का काम चल रहा है। और अब 16 लोग जो है इसमें घायल हैं, जिनको जो है पास के अस्पताल में जो है वो पहुंचाया गया है नेहा। लेकिन उसके बावजूद भी 40 यात्री इसमें सवार थे जो सभी भारतीय थे, तो इसमें से 10 और यात्रियों को लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनकी हालत क्या है, क्या वो बस में फंसे हुए हैं या फिर वो नदी में बह गए हैं। इसको लेकर जो है अभी सूचना जो है वो प्राप्त की जा रही है। लेकिन बेहद रोकूंगी आपको, सीनियर जर्नलिस्ट नेपाल से पंकज दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आपके इलाके की घटना है, जाहिर तौर पर आप यहाँ की टोपोग्राफी से भली भांति वाकिफ होंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें हैं? और देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नेपाल पुलिस और जो आर्मी पुलिस फोर्स है वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, और सबसे पहला जो उनका काम है वो जो नदी में फंसे जो शव है, जो यात्री फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम अभी भी जारी है। जो वहाँ पे यहाँ जो गृह मंत्रालय के जो रेस्क्यू ऑपरेशन देखते हैं, उनके जो चीफ है डॉक्टर भीम कुमार, उन्होंने जो ऑफिशियल जानकारी दी है उसमें जो 15 लोगों को अभी तक अचेत अवस्था में निकाला गया है बाहर। ये जो शव पहले कहा गया था, शव निकाला गया है, उसमें जब तक डॉक्टर का क्लियरेंस नहीं आ जाता है, डॉक्टर उनको डेथ घोषित नहीं कर देते हैं, तब तक ऑफिशियल वो शव नहीं कहता। सारे अचेत जो अवस्था में जो यात्री निकाले गए हैं, उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, और वहाँ उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से जो जानकारी दी जाएगी, उसके बाद कोई भी आधिकारिक जानकारी होगी कि कितने शव हैं उनमें से। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।